Hello students, my name is Mr. Anjitendra Dubey and I am from Delhi. I'll be teaching you Lucent GK Vivid part this year, and I'm thrilled to be a teacher and I'm looking forward to a year of learning fun and adventure. I can't wait to learn all about you, so let's begin from here. It's lecture number 38 and last lecture of Lucent GK Samanyayan. If you want to watch complete lectures of Lucent GK Samanyayan, then you should go on study channels playlist. You will get all or complete lectures of Lucent GK Samanyayan. Right now, it is very important lecture for you. Cause it's last lecture of Lucent GK. Lucent GK Samanyayan ki kitab bahut hi mahatvapurna hai kyunki ye ek matra aisi kitab hai jisme maximum number of questions aate hain kisi bhi exams mein, chahe exam group D, C, A ya B level ka. Kisi bhi level ka exams ho, us exams mein yadi maximum number of questions aayenge kisi ek book se, to wo hoti hai Lucent GK Samanyayan. Yahi wajah hoti hai ki jitne bhi government exam ki taiyari karne wale aspirants candidates hote hain, वो इस किताब को अपने रूम में रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं. राइट नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम यहाँ. 14वां महिला हॉकी विश्वकप 2018 कुछ विशेष तथ्य. मेजबान देश इंग्लैंड था. आयोजन स्थल ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर लंदन. आयोजन तिथि जुलाई अगस्त 2018. टीमों की संख्या 16 थी. परिणाम फाइनल में नीदरलैंड मीन हॉलैंड के ने आयरलैंड को 6-0 से पराजित कर यह किताब जीता. प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट लिडविज वेल्टेन नीदरलैंड्स के थे, इन्होंने इनको मिला. गोलकीपर ऑफ टूर्नामेंट ईसा मकफेरान आयरलैंड की थी, इनको मिला. सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बनी किट्टी वन मेल नीदरलैंड्स की. फुटबॉल. फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ. 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ. भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था. फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फ्रांसीसी नाम, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है, फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है. इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में की गई थी. वर्तमान में इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है. फीफा द्वारा आयोजित विश्व कप फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है. पहला विश्व कप 1930 ईस्वी में उरुग्वे में आयोजित किया गया था. इसे प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है. परिमाप. मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर. मैदान की चौड़ाई 45 से 91 मीटर. गेंद का वजन 396 से 453 ग्राम. और खेल शब्दावली जो है फुटबॉल से जुड़ी हुई वो है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, पेनाल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैट्रिक, हैंडबॉल, स्वीपर, बैक, थ्रो इन, हैंडबॉल फाउल आदि. नेक्स्ट, विश्व कप फुटबॉल वर्ष देश विजेता उपविजेता. तो पहला विश्व कप फुटबॉल हुआ 1930 में उरुग्वे में हुआ. उरुग्वे विजेता, अर्जेंटीना उपविजेता. एंड नेक्स्ट, 30 के बाद 34 में इटली में हुआ, 38 में फ्रांस में, 50 में फिर ब्राज़ील में, 54 में स्विट्जरलैंड में, 58 में स्वीडन में, 62 में चिली में, 66 में इंग्लैंड में, 70 में मैक्सिको में, 74 में पश्चिमी जर्मनी में, 78 में अर्जेंटीना में, 82 में स्पेन में, 86 में मैक्सिको में, 90 में इटली में, 94 में USA में, 98 में फ्रांस में, 2002 में जापान और दक्षिण कोरिया में हुआ, 6 में जर्मनी में, 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ. यस, 14 में ब्राज़ील में, 18 में रूस में हुआ जिसमें फ्रांस जीता और क्रोएशिया हारा, मतलब फाइनल में हारा. 22 में कतर में प्रस्तावित है और 24 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से प्रस्तावित. 1942 एवं 46 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण फुटबॉल का विश्व कप नहीं हुआ. ओके, 2018 विश्व फीफा विश्व कप में मिले अवार्ड्स. गोल्डन बॉल मिला ल्यूका मॉड्रिच क्रोएशिया के थे इनको. गोल्डन बूट हैरी केन इंग्लैंड के थे इनको मिला. गोल्डन ग्लव थिबाउट कोर्टोलियस को मिला, ये बेल्जियम के थे. और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी किलियन एम्बापे फ्रांस के थे इनको मिला. मैन ऑफ द मैच फाइनल में एंटोनी ग्रिजमैन को मिला जो फ्रांस के थे. नेक्स्ट, वॉलीबॉल. वॉलीबॉल का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ. इस खेल को एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 ईस्वी में शुरू किया. इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन FIVB का गठन 1947 ईस्वी में पेरिस में हुआ था, जिसे 1984 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के लुसाने में ले जाया गया. वॉलीबॉल का प्रथम विश्व चैंपियनशिप पुरुष 1949 में ईस्वी में आयोजित हुआ था और विश्व चैंपियनशिप महिला प्लस पुरुष के लिए 1952 से शुरू हुआ.
1964 में बाली वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक में वॉलीबॉल विश्व कप का आयोजन FIVB के द्वारा 1965 से शुरू किया गया, जिसकी मेजबानी पोलैंड ने किया था। 1977 से विश्व कप वॉलीबॉल पुरुष और महिला का आयोजन जापान कर रहा है। यस, वॉलीबॉल में परिमाप कोर्ट की लंबाई 18 मीटर, कोर्ट की चौड़ाई 9 मीटर, गेंद का वजन 250 से 270 ग्राम। खेल शब्दावली देखें, वॉलीबॉल में तो है ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, वॉली पास, फोर आर्म पास, सर्विस हुक, सर्व, सेटअप, रेफरी, स्पाइक, स्मैम, स्मैश भी बोलते हैं, एरियल, स्विच, डिग पास, बूस्टर, लव, फ्लोटर आदि। नेक्स्ट, टेबल टेनिस। इस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार 1927 ईस्वी में हुआ। टेबल टेनिस का विश्व चैंपियनशिप 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। परिमाप टेबल टेनिस टेबल की लंबाई 2.74 मीटर अप्रॉक्स 9 फीट, टेबल की चौड़ाई 1.52 मीटर 5 फीट, टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर, गेंद का वजन 2.4 से 2.53 ग्राम, गेंद का रंग सफ़ेद अथवा पीला। प्रमुख खेल शब्दावली देखें, टेनिस से जुड़ी हुई तो वह है सर्विस, पेन होल्डर ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, स्विंग, पुश स्ट्रोक, रैली, लेट, रिवर्स, टॉप स्पिन, फॉयल, चाइनीज ग्रिप आदि। बास्केटबॉल। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने सन 1891 में अमेरिका में किया। इसके अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना सन 1932 में फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन FIVB के नाम से हुई। भारत में प्रथम बास्केटबॉल खेल सन 1930 में खेला गया। इसका पहला विश्व चैंपियन मैच 1950 ईस्वी में आयोजित हुआ। परिमाप देखें तो कोर्ट की लंबाई 28 मीटर, कोर्ट की चौड़ाई 15 मीटर, बास्केट की ऊंचाई जमीन से 3.05 मीटर, बास्केटबॉल का वजन 600 टू 650 ग्राम। यदि देखें बास्केटबॉल से जुड़े हुए खेल शब्दावली तो हैं रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, बास्केट हैंगिंग, लीड पास, गोल, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो लाइन, बैकबोर्ड, फ्रंट कोर्ट, टिप ऑफ, पिक, पिनोट, की होल आदि। बैडमिंटन। आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ था। इसका सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, परिमाप देखें तो कोर्ट की लंबाई 44 फीट, कोर्ट की चौड़ाई 20 फीट, नेट की ऊंचाई 5 फीट, कॉर्क का वजन 4.74 टू 5.51 ग्राम, रैकेट का वजन 84 टू 140 ग्राम के बीच। प्रमुख खेल शब्दावली देखें तो कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, हाई सर्विस, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, ड्यूश, एडवांस, ड्रॉप, ड्राइव, लॉब, स्मैश, लव, लेट, लव ऑल आदि। लॉन टेनिस। आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF की स्थापना 1930 ईस्वी में पेरिस में हुई की गई। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन एवं US ओपन चैंपियनशिप, ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में मेलबॉर्न में 1905 से स्टार्ट, फ्रेंच ओपन मई जून में होता है और रोलॉड गारो पेरिस में 1891 से स्टार्ट, विंबलडन जून जुलाई में होता है लंदन में 1877 से स्टार्ट एंड US ओपन अगस्त सितंबर में होता है जो US न्यूयॉर्क में होता है 1881 से स्टार्ट। ओके, परिमाप मैदान की लंबाई 8 फीट एकल, मैदान की चौड़ाई 27 फीट एकल, 36 फीट युगल, नेट की ऊंचाई 3 फीट, गेंद का वजन 56.7 टू 58.5 ग्राम, रैकेट की अधिकतम लंबाई 32 इंच, गेंद का रंग सफ़ेद अथवा पीला। प्रमुख खेल शब्दावली देखें तो लॉन टेनिस से जुड़ी शब्दावली हैं बैक हैंड ड्राइव, वॉली, ऑफ वॉली, लेट, फॉल्ट, स्मैश, ड्यूश, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ट्राई ब्रेकर, लव, चेंज, सेट इन आउट। पोलो। आमतौर से यह माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस में हुआ था। फारस में
525 ईसा पूर्व यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट में पोलो के नाम से यह खेल खेला जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ। आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन 1859 में असम के कछार में हुआ। भारत से यह खेल 10वीं हुशार रेजिमेंट द्वारा 1869 ईस्वी में इंग्लैंड ले जाया गया। पोलो में परिमाप देखते हैं तो खेल के मैदान की लंबाई 300 गज, खेल के मैदान की चौड़ाई 150 गज, गोलों के बीच का फासला 250 गज, गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई 8 गज। प्रमुख खेल शब्दावली देखें पोलो से जुड़ी हुई तो वह है बंकर, चकर, मैलेट, बंडर, चुक्का, एरिस रेल, एंगल शॉट आदि। एथलेटिक्स नेक्स्ट। पहला ओलंपिक जो ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था उसमें यह एक मात्र खेल था। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में होमर द्वारा लिखित इलियड में पैदल दौड़ का वर्णन मिलता है। एथलेटिक्स इंग्लैंड में ईसा बाद 12वीं सदी में प्रारंभ हुई। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन IAAF की स्थापना 16 देशों ने मिलकर 1912 ईस्वी में बनाया था। यह संघ प्रति चार वर्ष पर विश्व चैंपियनशिप कराती है। IAAF का मुख्यालय मोनैको में है। डेकाथलोन यह पुरुषों की प्रतियोगिता है जिसमें 10 खेल 100 मीटर 400 मीटर 1500 मीटर की दौड़ ऊंची कूद लंबी कूद शॉट पुट या 110 मीटर बाधा दौड़ डिस्क थ्रो पोल वॉल्ट जेवलिन थ्रो सम्मिलित हैं जो 2 दिनों तक चलता है। एथलेटिक्स डेकाथलोन नेक्स्ट हेप्टाथलोन यह महिलाओं की प्रतियोगिता है जिसमें 7 खेल 100 मीटर की बाधा दौड़ ऊंची कूद शॉट पुट 200 मीटर दौड़ लंबी कूद 800 मीटर दौड़ एवं जेवलिन थ्रो सम्मिलित है। पेंटाथलोन 5 खेलों की एक दिवसीय प्रतियोगिता है जिसमें ऊंची कूद जेवलिन थ्रो 200 मीटर दौड़ डिस्कस थ्रो 1500 मीटर दौड़ इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं। स्टीपल चेस यह दौड़ सामान्यतः 3000 मीटर दूरी की होती है जिसमें बाधाएं हर्डल एवं पानी के रूप में होती हैं। इसे पैदल चाल के नाम से भी जाना जाता है। शॉट पुट इस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं। पोल वॉल्ट इस खेल में एथलीट पतले डंडे के सहारे छलांग लगाता है तथा जमीन पर रखे एक गद्दे पर गिरता है। डिस्कस थ्रो इसमें तस्तरी के आकार का डिस्कस होता है जिसे एथलीट एक हाथ से 1.5 चक्कर घुमाने के बाद फेंकता है। कुश्ती ईसा पूर्व 708 में यूनानियों ने अपने ओलंपिक में कुश्ती को शामिल कर लिया था। कुल मिलाकर कुश्ती के 50 प्रकार हैं। ओलंपिक में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती आर्मेचर होती है। इस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डीला लुटे फीला है। ओके परिमाप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 9 मीटर व्यास का एक गोलाकार प्रतियोगिता क्षेत्र तथा 1 मीटर व्यास का एक केंद्रीय वृत्त। गद्दे पर आयोजित मुकाबले में 1:1 मीटर व्यास का ऊंचा गद्दा। प्रमुख खेल शब्दावली देखें तो हीव हाफ हाफ नेल्सन क्रैडल डबल नेल्सन टाइम कीपर डॉगफल मैट ब्रिज कॉशन एक्टिव अटैक रिबाउट होल्ड हेड लॉक आदि। नेक्स्ट शतरंज सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि भारत में यह खेल ईसा बाद 7वीं सदी में शुरू हुआ। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे एचेस FIDF फीडे इस खेल को नियंत्रित करती है तथा हर 2 साल में एक बार विश्व चैंपियनशिप तय करने के लिए प्रतियोगिता कराती है। यह शतरंज खेल के सामान की बात करें तो इसके बोर्ड को चेकर बोर्ड कहते हैं जिसमें 64 वर्ग बने होते हैं जिनमें 8 ऊर्ध्वाधर तथा 8 क्षैतिज पंक्तियां बनी होती हैं। इसके वर्ग 2 विपरीत रंगों के से रंगे होते हैं। हर खिलाड़ी के पास अलग अलग रंग के 16 चेसमैन होते हैं। प्रमुख खेल शब्दावली देखें तो बिशप गैम्बिट चेकमेट स्टेलमेट पॉन ग्रैंड मास्टर फीडे नाइट एलो रेटिंग रैंक कैशल पीसेज चेक आदि। गोल्फ आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। आधुनिक गोल्फ में पुरुषों के ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं मास्टर ओपन यूनाइटेड स्टेट्स ओपन ब्रिटिश ओपन एंड प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका PGA चैंपियनशिप। टी वह समतल भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है। परिमाप गोल्फ कोर्स 125 से 175 एकड़ तक होता है। बॉल का वजन 45.9 ग्राम और परिपथ 4.27 सेंटीमीटर होता है। छिद्र का व्यास 4 इंच। प्रमुख खेल शब्दावली देखें तो बोगी फॉरशम
stymity, put hall, nivalik, carry, limbs, iron, putting, the green, bunker, course, lie, or post आदि. Next है water polo. यह खेल सन 1860 ईस्वी में इंग्लैंड में शुरू हुआ. इस खेल को शुरू करने का श्रेय मुख्यतः ग्लासगो के विलियम विल्सन को जाता है. पहली आधिकारिक प्रतियोगिता सन 1834 में लंदन में हुई, जबकि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1890 में इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के बीच हुआ था. नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड का गठन 1915 ईस्वी में खेल के नियम बनाने के लिए हुआ. परिमाप इनके लिए 20 से 30 मीटर लंबा एवं 8 से 20 मीटर चौड़ा पानी का क्षेत्र चाहिए. गेंद का वजन 400 से 450 ग्राम तक होना चाहिए. गोल पोस्ट सामान्यतः 3 मीटर चौड़ा तथा पानी की सतह से 0.9 मीटर ऊंचा होना चाहिए. प्रमुख खेल शब्दावली देखें तो 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, गोल लाइन, कैपर्स, पर्सनल फॉल्ट, बॉल अंडर ईसर, लेशिंग आदि. नेक्स्ट है बेसबॉल. यह खेल 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में विकसित हुआ. ऐसा माना जाता है कि बेसबॉल की खोज अवनेर डब लडे ने सन 1839 ईस्वी में की. इस खेल के नियमों को अलेक्जेंडर कार्टराइट ने लिखा. वह खिलाड़ी जो बॉल को बैटर के लिए फेंकता है पिचर कहलाता है. परिमाप बैट गोलीय होता है जिसकी लंबाई 42 इंच तथा व्यास 2.75 इंच मोटे भाग की ओर होता है. प्रत्येक बेस की दूरी 90 फीट, बेस की दूरी कर्ण सहित 127 फीट. प्रमुख खेल शब्दावली बेसबॉल में है होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बेसमैन, आइट, स्ट्राइक एंड एंट रबर. नेक्स्ट, बिलियर्ड्स. वर्ल्ड प्रोफेशनल्स बिलियर्ड्स तथा स्नूकर एसोसिएशन इस खेल को नियंत्रित करती है. परिमाप इस खेल का टेबल सामान्यतः 3.7 मीटर लंबा तथा 1.85 मीटर चौड़ा होता है तथा 3 फीट ऊंचा होता है. इसकी गेंद हाथी के दांत की या टिकाऊ प्लास्टिक की बनी होती है जिसका वजन 150 से 210 ग्राम होता है. क्यू मजबूत लकड़ी का बना होता है जिसकी लंबाई 90 से 145 सेंटीमीटर के बीच होता है. बिलियर्ड्स प्रमुख खेल शब्दावली है. बिलियर्ड्स में क्यू, जिगर, ब्रेक पॉट, इन लक, इन ऑफ, कैंसा, बोल्टिंग, हैजर्ड. राइफल शूटिंग में प्रमुख खेल शब्दावली हैं टारगेट, बुल्स आई, मजल फलक, स्कीट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग आदि. खोखो देखते हैं. खोखो परिमाप खोखो का मैदान 27 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है, जबकि इस मैदान की कुल लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर होती है. इसमें 8 क्रॉस लाइन, 60 मीटर लेंथ एंड 30 मीटर सेंटीमीटर ब्रेथ होते हैं. प्रमुख खेल शब्दावली देखें तो चेंज, एक्टिव, चेजर, रनर्स, फ्रीजोपोन, कॉस लेन आदि. खिलाड़ियों के उपनाम, खिलाड़ी और उपनाम. फॉर एग्जांपल मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं. वहीं उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को. फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, फ्लाइंग फिश माइकल फेल्प्स, सुपर मॉम मैरी कॉम, पॉकेर डायनमो लिएंडर पेश, बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली, लाइटनिंग किंड विश्वनाथन आनंद, द वॉल राहुल द्रविड़, टर्मिनेटर हरभजन सिंह, टारपीडो इयान थोरपे, इंडियन एक्सप्रेस पेश एंड भूपति, ब्लैक पर्ल पेले, डेनिस द मिनोश, आंद्रे आगाशी. नेक्स्ट, यस, तैराकी. द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन अमेच्योर FINFE तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जल क्रीड़ाओं को संचालित करती है. परिमाप लंबी दूरी की तैराकी के लिए 50 मीटर लंबा जलाशय परिमाप जिसमें 6, 8 या 10 लेन होनी चाहिए. छोटी दूरी की तैराकी के लिए 25 मीटर लंबा जलाशय जिसमें 4, 5, 8 लेन होनी चाहिए. जलाशय में पानी की गहराई 9 मीटर होनी चाहिए. इसका तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए. प्रमुख खेल शब्दावली देखें तो फ्रंट क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, चेन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि. मुक्केबाजी देखते हैं तो रिंग की लंबाई चौड़ाई कम से कम 4.9 मीटर स्क्वायर तथा अधिक से अधिक 6.10 मीटर स्क्वायर. मुक्केबाजी में प्रमुख खेल शब्दावली हैं पंच, अपरकट, राउंड, जैब, हुक, नॉकडाउन, नॉकआउट, हिटिंग विल्लो, रिंग ब्रेक, बेल, बेल्ट ब्लो, बाउंस आदि. ओलंपिक खेल के मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीक के लिए बेल बार पर कप
प्रदान किया जाता है। मैराथन दौड़। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर। विभिन्न खेल तथा उनसे संबंधित प्रमुख कप एवं ट्रॉफियां, खेल संबद्ध कप एवं ट्रॉफियां, जैसे हॉकी से, हॉकी में बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी महिला, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिलाओं में, गुरु नानक चैंपियनशिप महिलाओं में, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप आदि। ये हॉकी में संबद्ध कप एंड ट्रॉफियाँ थी। नेक्स्ट फुटबॉल में DCM ट्रॉफी, डुरंट कप, रोवर्स कप, वीशी राय ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप की है, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मरड़ेका कप। फुटबॉल के बाद क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी विड़ला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी आदि। टेबल टेनिस में है बर्ना वेलेक कप पुरुष में, जयलक्ष्मी कप महिला में, राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला में और रामा अनुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष आदि। वहीं बैडमिंटन में है नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप आदि। बास्केटबॉल में है बंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप आदि। ब्रिज में है राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी आदि। पोलो में है आयजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप आदि। गोल्फ में है बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। जिमनास्टिक्स में है चाइना कप। टेबल टेनिस का कॉपर विलोन कप महिलाओं का और श्वेत लिंग कप पुरुषों का विश्व कप है। केरल में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वालाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, खेल और खिलाड़ियों की संख्या, देन अगेन खेल और खिलाड़ियों की संख्या। जैसे बेसबॉल के एक पक्ष में 9 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9 और कबड्डी में 7। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में प्रत्येक में 11-11, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, टेनिस व टेबल टेनिस में 1 या 2, बास्केटबॉल में 5 तथा जिम्नास्टिक्स में 8। नेक्स्ट, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, देश और राष्ट्रीय खेल। जैसे USA का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, स्पेन का शाण युद्ध, कनाडा का आइस हॉकी, भारत का हॉकी, रूस का फुटबॉल और शतरंज, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, भूटान का तीरंदाजी, चीन का टेबल टेनिस, फ्रांस का फुटबॉल, नेपाल का दंडी बियो, इंग्लैंड का क्रिकेट, जापान का जूडो, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, पाकिस्तान का हॉकी, मलेशिया का बैडमिंटन, बांग्लादेश का कबड्डी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, इंडोनेशिया का बैडमिंटन और ब्राजील का फुटबॉल। विभिन्न खेलों के खेल परिसर, परिसर और संबंधित खेल। जैसे डायमंड जो खेल परिसर है ये है बेसबॉल के लिए, कोश खेल परिसर है गोल्फ का, बोर्ड में टेबल टेनिस होता है, मैट में जूडो कराटे ताइक्वांडो, वेलोड्रम में साइकिलिंग होती है, ट्रैक पर एथलेटिक्स, रेंज में निशानेबाजी और तीरंदाजी, कोर्ट में टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल होता है, रिंग में स्केटिंग और मुक्केबाजी होती है, पुल पर तैराकी, एली में बाउलिंग, एरिना में घुड़सवारी, फील्ड में पोलो, फुटबॉल और हॉकी, पिच पर क्रिकेट और रग्बी होता है, रिंग में कर्लिंग, आइस हॉकी होती है और ग्रीन्स में बाउल्स होता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खेल मैदान तथा उनसे संबंधित खेल, खेल मैदान, खेल और स्थान। जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है दिल्ली में, शिवाजी स्टेडियम हॉकी है दिल्ली, वाराबती स्टेडियम क्रिकेट कटक में, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मुंबई, इडन गार्डन्स क्रिकेट कोलकाता, कीनन स्टेडियम क्रिकेट जमशेदपुर, इप्शम डर्बी रेस ब्रिटेन, लॉर्ड्स ओवल और लीड्स क्रिकेट से जुड़ा हुआ है ब्रिटेन में, विम्बल्डन लॉन टेनिस से लंदन, ब्रुकलैंड फुटबॉल इंग्लैंड, इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम दिल्ली में, एंट्री घुड़दौड़ इंग्लैंड, हर्लिंगम पोलो इंग्लैंड, ब्रुकलिन बेसबॉल न्यूयॉर्क, सैंडी लॉज खेल मैदान है जो जिसमें गोल्फ होता है स्कॉटलैंड में है, युवा भारती स्टेडियम फुटबॉल कोलकाता, पर्थ ब्रिस्बेन मेलबोर्न क्रिकेट खेल परिसर हैं ऑस्ट्रेलिया में,
अम्बेडकर स्टेडियम फुटबॉल दिल्ली, नेशनल स्टेडियम हॉकी दिल्ली, नेशनल स्टेडियम हॉकी मुंबई, ब्रेबोर्न स्टेडियम क्रिकेट मुंबई, ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट कानपुर, पटनी मार्टलेक्स नौका दौड़ इंग्लैंड, हेडिंगले मैनचेस्टर क्रिकेट ब्रिटेन, ब्लैक हीट रग्बी फुटबॉल लंदन, वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल लंदन। खेल मैदान, खेल और स्थान, जैसे टिबंकहम खेल मैदान है रग्बी फुटबॉल से जुड़ा हुआ इंग्लैंड में, टेंट ब्रिज क्रिकेट इंग्लैंड, वाइट सिटी कुत्तों की दौड़ इंग्लैंड, यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग्स न्यूयॉर्क, फॉरेस्ट हिल टेनिस न्यूयॉर्क, फिरोजशाह कोटला क्रिकेट दिल्ली एंड चेपक स्टेडियम क्रिकेट चेन्नई। यह भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, इसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं। इसे सॉल्ट लेक, ये जो बात हो रही है वो इसकी थी बात, ये स्टार सिंगल स्टार यानी इंदिरा गांधी स्टेडियम, जबकि युवा भारती स्टेडियम में क्या होता है ये सेकंड स्टार, इसे सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसमें 120,000 पीपल्स लोग बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, खेलों से संबंधित पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसे 1991-92 में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं ध्यानचंद पुरस्कार विजेता राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोचों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यह ट्रॉफी 1956-57 में शुरू की गई। यह चेल बैजटी रॉलिंग ट्रॉफी है और यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। इसे फिर से हासिल करने वाले विश्वविद्यालय को ट्रॉफी की प्रतिकृति भी दी जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपये तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार, श्रेणी ओपन श्रेणी खेल, खेल प्रतियोगिता के नाम, पुरस्कार की राशि स्वर्ण रजत और कांस्य। जैसे ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन में स्वर्ण पदक में 75 लाख, रजत पदक में 50 लाख और कांस्य पदक में 30 लाख, एशियाई खेल में 30 लाख रुपये स्वर्ण में, 20 लाख रुपये रजत में और 10 लाख रुपये कांस्य में, राष्ट्रमंडल खेल में 30 लाख रुपये स्वर्ण में, 20 लाख रुपये रजत में और 10 लाख रुपये कांस्य में। विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के लिए 40 लाख, रजत के लिए 25 और कांस्य के लिए 15 लाख। विश्व चैंपियनशिप विश्व कप 2 साल में आयोजित विश्व चैंपियनशिप विश्व कप स्वर्ण में 20 लाख, रजत में 14 लाख और 8 लाख रुपये कांस्य पदक में। विश्व चैंपियनशिप विश्व कप 1 साल में एक बार आयोजित 10 लाख रुपये स्वर्ण में, 7 लाख रुपये रजत में और 4 लाख रुपये कांस्य पदक में। ओके, एशियन चैंपियनशिप 4 वर्ष में एक बार आयोजित, 15 लाख रुपये गोल्ड में, सिल्वर में 10 और ब्रॉन्ज में 5। एशियन चैंपियनशिप 2 वर्ष में एक बार आयोजित, 7.5 लाख गोल्ड में, सिल्वर में 5 और ब्रॉन्ज में 2.5 लाख। एशियन चैंपियनशिप 1 वर्ष में एक बार आयोजित, 3.75 लाख गोल्ड में, सिल्वर में 2.5 लाख और 1.25 लाख ब्रॉन्ज में। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 4 वर्ष में एक बार आयोजित, 15 लाख गोल्ड में, सिल्वर में 10 लाख, 5 लाख ब्रॉन्ज में। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2 वर्ष में एक बार आयोजित, 7.5 लाख गोल्ड में, सिल्वर में 5 लाख और ब्रॉन्ज में 2.5 लाख। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 1 वर्ष में एक बार आयोजित, 3.75 लाख गोल्ड में, सिल्वर में 2.5 लाख और ब्रॉन्ज में 1.25 लाख। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल में गोल्ड में 3.75 लाख और ब्रॉन्ज में सिल्वर में 2.5 और ब्रॉन्ज में 1.25 लाख। श्रेणी पैरा स्पोर्ट्स, खेल प्रतियोगिता के नाम, पुरस्कार राशि लाख रुपए में, स्वर्ण रजत और कांस्य। जैसे पैरा ओलंपिक गेम्स ग्रीष्म एवं शीतकालीन में गोल्ड में 75, रजत में 50 और कांस्य में 30 लाख रुपीज। पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड में 30, रजत में 20 और कांस्य में 10 लाख रुपीज। राष्ट्रमंडल खेल पैरा एथलेटिक्स गोल्ड में 30, सिल्वर में 20 और ब्रॉन्ज में 10 लाख रुपीज। आईपीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2 साल में गोल्ड में 20, सिल्वर में 14 और ब्रॉन्ज में 8 लाख रुपीज। आईपीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप सालाना आयोजित गोल्ड में 10, सिल्वर में 7 और ब्रॉन्ज में 4 लाख।
क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार इसे वर्ष 2002 में गठित किया गया। इसमें नकद पुरस्कार 5,00,000 रुपए हैं। पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बावजूद भी खेल की उन्नति के लिए योगदान करते रहे हैं। प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार इसे 1961 ईस्वी में आरंभ किया गया और इसमें 5,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। खिलाड़ी को न केवल उत्कृष्टता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्षों में और उस वर्ष में जिसमें पुरस्कार की सिफारिश की गई है लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए बल्कि नेतृत्व खेल भावना और अनुशासन का भाव दर्शाया होना चाहिए। 2001 में यह पुरस्कार केवल उन विभागों में दिया जाएगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं ओलंपिक खेल एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल विश्व कप विश्व चैंपियनशिप विभाग और स्वदेशी खेल शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए खेल। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार इसे 1985 में प्रारंभ किया गया। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। इसमें 5,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। एक वर्ष में 5 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते हैं द्रोणाचार्य में। श्रेणी दृष्टिबाधितों के खेल खेल प्रतियोगिता का नाम पुरस्कार राशि रुपए में है गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। IBSA वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10,00,000 गोल्ड 7,00,000 सिल्वर एंड 4,00,000 ब्रॉन्ज में। श्रेणी बधिरों के लिए खेल में खेल प्रतियोगिता का नाम और पुरस्कार राशि रुपए में स्वर्ण रजत कांस्य। तो बधिर ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल मेडलिस्ट को 15,00,000 रजत जीतने वाले को 10 और कांस्य पदक जीतने वाले को 5,00,000 रुपए। ओके नेक्स्ट श्रेणी विशेष ओलंपिक खेल जिसमें खेल प्रतियोगिता का नाम पुरस्कार राशि रुपए में स्वर्ण रजत कांस्य पदक। विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन में गोल्ड के लिए 5, सिल्वर के लिए 3 और ब्रॉन्ज के लिए 1,00,000 रुपए। श्रेणी दृष्टिबाधितों के लिए क्रिकेट विश्व कप खेल प्रतियोगिता का नाम पुरस्कार राशि रुपए में दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 4 साल में आयोजित होता है जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट को जिसमें 5,00,000 रुपए विजेता को मिलता है। प्रतियोगिता में कम से कम 180 दिन पहले से पदक विजेताओं को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को भी मदद नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रशिक्षित खिलाड़ी की को जितनी पुरस्कार राशि दी जाती है उसके प्रशिक्षक को उसकी 50% राशि पुरस्कार में दी जाती है। यदि एक से अधिक प्रशिक्षक हों तो पुरस्कार राशि को समान रूप से बांटा जाता है। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना यह योजना 1994 ईस्वी में शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार वे खिलाड़ी जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों विश्व कप विश्व चैंपियनशिप एशियाई खेलों राष्ट्रमंडल और पैरा ओलंपिक खेलों और पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण रजत कांस्य पदक जीते हैं इनकी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है और सक्रिय खेल करियर से रिटायर हो चुके हैं वे जीवन भर के लिए पेंशन पाने योग्य हैं। अप्रैल 2018 से पेंशन की दरें दोगुनी हो गई हैं। पेंशन की बढ़ी हुई दरें निम्नवत हैं। यस शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी की श्रेणी और पेंशन दर रुपए प्रतिमाह ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेता को यह है आपका 20,000 रुपीज। ओलंपिक में विश्व कप ओलंपिक और एशियाई खेलों में के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 16,000 पर मंथ पेंशन। ओलंपिक और एशियाई खेलों में विश्व कप के रजत और कांस्य पदक विजेता को 14,000 रुपीज पर मंथ। एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों पैरा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को 14,000 रुपीज पर मंथ। एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों पैरा एशियाई खेलों के रजत और कांस्य पदक विजेता को 12,000 रुपीज पर मंथ। 4 साल में एक बार आयोजित होने वाले विश्व कप विश्व चैंपियनशिप को ही माना जाएगा। यह पेंशन 30 वर्ष की आयु होने पर जीवन भर के लिए दी जाती है। इस योजना का संचालन जीवन बीमा निगम के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट इट्स इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्यूटर। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। वृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 था जो 1937 ईस्वी में बना था। कंप्यूटर के कार्य कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। आंकड़ों का संकलन या निवेशन, आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों का संसाधन और आंकड़ों या प्राप्त जानकारियों का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं।
हार्डवेयर कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधक एकक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश और निर्गम एकक आदि आते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषाएं, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा को निम्न तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, मशीनी कोड भाषा यानी मशीन कोड लैंग्वेज, असेंबली कोड भाषा यानी असेंबली कोड लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषाएं यानी हाई लेवल लैंग्वेजेज। मशीनी कोड भाषा, मशीन कोड लैंग्वेज, इस भाषा में प्रत्येक आदेश के दो भाग होते हैं, आदेश कोड यानी ऑपरेशन कोड तथा स्थिति कोड यानी लोकेशन कोड। इन दोनों को जीरो या वन के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए जीरो तथा एक के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समयग्राही थी जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। असेंबली भाषा यानी असेंबली लैंग्वेज, इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया जिसे नेमोनिक कोड कहा गया है, जिसे जैसे एडिशन के लिए ऐड, सबस्ट्रैक्शन के लिए सब एवं जंप के लिए JMP दिखा गया। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था, अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेजेज। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी को जाता है। फॉरट्रॉन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी करीब हैं। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं देखिए, फोरट्रॉन कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से JW बेकर्स ने 1957 ईस्वी में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन से मिलकर डिवीजन बनता है। नेक्स्ट, बेसिक। यह अंग्रेजी के शब्दों बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतर है। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। बेसिक के बाद है अलगोल। यह अंग्रेजी के अल्गोरिदमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया था। पास्कल यह अल्गोल का परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह अल्गोल एवं बेसिक से भिन्न है। कोमल यह कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। लोगो इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखाकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोलॉग यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1933 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है, जो कि तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। फोर्थ, इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मोरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों ABCD आदि एंड इंडो अरेबियन अंकों 0, 1, 2, 3 आदि का प्रयोग किया जाता है। पायलट, C++, लिस्प, यूनिक्स एवं स्नोबॉल कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। इस कंप्यूटर के विभिन्न भाग, CPU यह एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। RAM यह रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त यानी मेमोरी कहा जाता है। RAM की गणना मेगाबाइट्स इकाई से होती है। ROM यह रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। मदरबोर्ड यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। CPU, RAM आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती है। हार्ड डिस्क इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स को स्टोर करने का कार्य होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यह सूचनाओं
को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट, यस, कीबोर्ड के बारे में। कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। माउस, इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम को संचालित किया जाता है। मॉनिटर, इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारियों को देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है। डॉट पिच पर जितने कम नंबर होते हैं स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहराई के लिए होती है। साउंड कार्ड यह जरूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। प्रिंटर, इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स, इंक जेट, बबल जेट और लेजर जेट प्रमुख प्रिंटर हैं। यस, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती हैं, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर रहता है। यह महीनों सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुँचा सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस हैं माइकेले एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो, फिलिप सीब्रेन, ब्लडी चेंज, मंगो देशी। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में योगदान सर्वाधिक है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी से आई जिसमें सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके पश्चात क्रमशः जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस का स्थान आता है। भारत इस सूची में 19वें स्थान पर था। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में संलग्न में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। ICMP का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। भारत की सिलिकॉन घाटी बंगलुरु को कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। यह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट की आईसी चिप का विकास J.S. किल्बी ने किया। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टिम बर्नर्स-ली WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। चीन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। चीनी कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 और 0 से 1 को बिट कहा जाता है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर के में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगाफ्लॉप से मापा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर Cray-K-1 SAS था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटर्स के बराबर कार्य करने
कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर एक सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया था। ओके, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है, याहू, गूगल एवं MSN इंटरनेट सर्च इंजन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। यूजनेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हों साइट कहलाता है। मॉडर्न कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। यस, पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाएँ भेजना अपलोड कहलाता है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं। आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी स्मरण शक्ति का कार्य करती है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। 1 KB यानी KB बराबर 1024 बाइट के तुल्य होता है। 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB 1024 MB के बराबर है। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन लेखक टैसी किडर को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर VIC/20 है। यस, वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। फोरट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम सर्वप्रथम भाषा है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HLL हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रोलोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC चिप का विकास JS किल्वी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। पुणे के CDAC के वैज्ञानिक ने मार्च 1998 को प्रति सेकेंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर PRM 10000 का निर्माण किया। इसके विकास का मुख्य श्रेय CDAC के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बंगलुरु ने फ्लोशावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सबक्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम यानी प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। ओके, यस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कंप्यूटर से संबंधित शब्द संख्या जैसे ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALGOL यानी एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CAD CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल कोमल कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DDS डेस्क टॉप सिस्टम DTP डेस्क टॉप पब्लिशिंग यस ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर फैक्स फार अवे ज़ेरॉक्स फ्लॉप्स फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड HLL हाई लेवल लैंग्वेज HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ISH इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे LANLAN लोकल एरिया नेटवर्क LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट LISP लिस्ट प्रोसेसिंग LLL लो लेवल लैंग्वेज MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर माइकर यस
MIPS MIPS millions of instructions per second. MOPS millions of operations per second. Modulator demodulator. NIC NET NICNET National Information Center Network. OMR optical mark reader. PC DOS personal computer disk operating system. PROM programmable read only memory. RAM random access memory. ROM read only memory. RPG report program generator. Snowball string oriented symbolic language. Video visual display unit VLSI very large scale integration. WAN wide area network and WWW world wide web. I think I have successfully completed all lectures of Lucent GK Saman again. If you want to watch complete lectures of Lucent GK Saman again, then you should go on study channel's playlist. Study channel provides you lots of rich study materials. You should try to utilize or encash it right now. Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share my study channels and videos. Thank you so much in advance for this. Thanks a lot.